अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आप एक वेबसाइट को खोल सकते हैं अगर उस पर प्रॉक्सी है, अगर कोई कॉल नहीं रहा, एरर दे रहा है, तो किस तरह आप प्रॉक्सी की मदद से उसे खोल सकते हैं। प्रॉक्सी के लिए बहुत सी एप्लीकेशन यूज होती हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बगैर किसी एप्लीकेशन के बताएंगे किस तरह आप वेबसाइट को खोल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का एक बटन है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की भी क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आपकी नोटिफिकेशन लिस्ट में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह आपने प्रॉक्सी लगानी है और वेबसाइट ओपन करना है। फ्रेंड, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, एरर दे रहा है मुझे, एक ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर गूगल। अगर मैं गूगल को ओपन करूंगा तो गूगल आ जाता है यहाँ पर, प्राइवेसी एरर दे रहा है। देखिए यहाँ पर आता है प्राइवेसी एरर, ये ओपन नहीं हो रहा, तो इसके लिए मुझे क्या करना है। अगर इस तरह वेबसाइट है वो ओपन नहीं रहा, या कोई वेबसाइट है जो आपकी कंट्री में वो ओपन नहीं हो रहा, जिस तरह यूट्यूब कंट्री में ओपन नहीं हो सकता, तो इसके लिए भी ये प्रॉक्सी यूज हो सकती है बगैर किसी एप्लीकेशन के या बगैर किसी सॉफ्टवेयर के हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस तरह करना है। तो इसके लिए हमें आना है यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग में, नेटवर्क सेटिंग्स में आ जाते हैं। तो नेटवर्क सेटिंग में हमने यहाँ पर आना है VPN कनेक्शन, VPN कनेक्शन में हमने यहाँ पर आना है एड ए VPN कनेक्शन। एड VPN कनेक्शन में यहाँ पर हमने कनेक्शन का नाम देना है, जो भी नाम हो आप दे दें, मैं यहाँ सिर्फ जस्ट VPN लिख दिया, सही है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन है बिल्ट इन है विंडो VPN प्रोवाइडर्स, वो बिल्ट इन है, सही है। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर सर्वर नेम और एड्रेस, अब आपने कौन सा एड्रेस यहाँ देना है उसके लिए यहाँ पर आप आ जाते हैं, यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं ब्राउजर में, ब्राउजर में आप दे दें यहाँ पर www.vpnbook.com, vpnbook.com में आ जाते हैं तो आपको VPN की एड्रेस मिल जाएगी, सही है। प्री VPN बुक में आके यहाँ पर फ्री VPN में आप क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस मिल जाती है, सही है। तो यहाँ पर ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये एड्रेस है। चल इस पर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ us1vpnbook.com, ये एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और वापस आके यहाँ पर सर्वर नेम और एड्रेस में मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब VPN टाइप है, सही है, वो ऑटोमेटिक ही रहने दे। नीचे यहाँ पर है यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड में मैंने यहाँ पर यूजर नेम जो है यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर है, नीचे आप आ जाएं तो यहाँ पर VPN ये यूजर नेम है, ये यूजर नेम हो गया और इसके नीचे पासवर्ड, यूजर नेम को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया और इसके साथ ही यहाँ पर है पासवर्ड है, इसका पासवर्ड मैंने कॉपी करके यहाँ पर पासवर्ड में पेस्ट कर लिया और नीचे आके यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद आप यहाँ पर आ जाए, जो VPN जो कनेक्शन बना हुआ है आप यहाँ पर आ जाए, कनेक्ट क्लिक कर ले, तो जो आपने पासवर्ड दिया है, जो आपने एड्रेस दिया है, इसकी वेरिफिकेशन करेगा और आपकी जो कनेक्शन है वो वहां पर कनेक्ट हो जाएगा VPN बुक के साथ, क्योंकि आपके लिए गेटवे वो साबित कर रहे हैं कि आपके गेटवे है। तो चलिए फ्रेंड ये कनेक्ट हो गया है। अब मैं जाता हूँ दोबारा गूगल पे, तो मैं गूगल को सर्च करता हूँ, तो गूगल देता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये गूगल यहाँ पर आ गया, सही है। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर, मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं दोबारा ये डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं गूगल को दोबारा क्लोज करके यहाँ से दोबारा खोलने की कोशिश करता हूँ तो ये दोबारा मुझे वही ऑप्शन देगा। तो ये जो VPN बुक है ये हमारे लिए एक गेटवे है एक वेबसाइट तक पहुँचने के लिए।
दूसरे इसमें क्या हम बात ये है कि ये गेट ये जो ये वीपीएन बुक का जो पासवर्ड और यूजर नेम है वो यूजर नेम सेम रहता है लेकिन पासवर्ड चेंज हो जाता है यहाँ पर 2-3 दिन बाद ही चेंज हो जाता है। तो अगर ये चेंज हो जाता है तो हमारे पास जब हम ये कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्ट नहीं हो सकता है फिर। तो यहाँ पर उसके लिए हमने फिर एडवांस ऑप्शन पे आना है। एडवांस ऑप्शन में यहाँ पर हमने एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर ये पासवर्ड जो है ये चेंज करना है। और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, पासवर्ड फिर आप वीपीएन बुक के अकाउंट पे आ जाते हैं और यहाँ से आप पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पर जो एड्रेस है वो एड्रेस कॉपी कर ले और सिर्फ पासवर्ड कॉपी कर ले, वहां पर उसकी अपनी जो जगह है उसमें पेस्ट कर ले। तो हमारे पास वीपीएन और इस पेस्ट करने के बाद ये सेव कर ले, बैक आ जाए और ये कनेक्ट कर ले तो ये दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। और अगर कनेक्ट होने के बाद हम दोबारा यहाँ आते हैं तो ये गूगल हमारे पास दोबारा ओपन हो जाएगा। देखिए ये मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारी जो हर नई वीडियो है उसके लिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे क्लिक करें। शुक्रिया।